सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम भज, हम तो आप सब पाप पे मोक्षयामि मां सुचि। भगवान कृष्ण ने कहा गीता के अंदर कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल और केवल एकमात्र शरण भगवान ठाकुर की। जब तक ठाकुर की शरण नहीं होती तो व्यक्ति कहीं भागता है, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाता है, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा वो खराब है, मेरा वो खराब है, और वो भी बोलता है तुम इसकी पूजा करो, आज केतु की पूजा करो, आज उसकी पूजा करो। कहाँ 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 कब कब पूजा करोगे? ये सत्य है, हमारी जो जो ज्योतिष विद्या है ये बिल्कुल परफेक्ट मैथमेटिक्स है कि किस तरह जो जो 12 ऋषियां है, जो 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 राशियां हैं वो कैसे चलती हैं, और वो एक राशि के बाद फिर दूसरी राशि, फिर तीसरी राशि, उसको अपना अपना प्रभाव छोड़ती है हर राशि में। तो सब राशियां हैं, वो अपना अपना प्रभाव छोड़ती हैं, हर बार हर राशि चेंज, हर महीने राशि चेंज होती है और हर महीने उसका प्रभाव अलग अलग होता है। अब हर राज कभी किसी राशि की पूजा करो, कभी किसी राशि की पूजा करते हैं, ठीक है, उससे उससे निवारण भी होता है, ये नहीं है निवारण नहीं होता, परंतु इसी चक्कर में फंसा रहता है, वही सुख की भोग में और दुख के निवारण के लिए उसी चक्कर में फंसा रहता है। परंतु जब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य ममेकम शरणम व्रज, अरे सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, हम पाप सर्व पापे व्योमोक्ष्यामि मां सुचे, अरे मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दिया। तुम एक आध पाप कोई बात कर रहे हो, मैं सर्व पापे व्योमोक्ष्यामि, सर्व पापों को, और बाद में सर्व पापे मोक्ष्यामि मां सुचे, फिक्र मत कर, मैं तेरे को गारंटी कर रहा हूं, और गारंटी के साथ पहले शर्त डाल दी है। अब तभी तो है ना, कभी आप दवाइयां खा रहे हो, कभी किसी चीज की दवाई खा रहे हो, कभी किसी चीज की दवाई खा रहे हो, कभी किसी चीज की दवाई खा रहे हो, भी कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो बोले भाई कितनी बीमारियां तेरे को, 50 बीमारियां, अच्छा 50 बीमारी की, चलो मैं तेरे को एक ऐसा इंजेक्शन देता हूँ, इसे तेरे को कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, एक केवल एक ही इंजेक्शन लगा दे बस, इससे काम चल जाएगा तेरा।